सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो मैं सुबह सुबह मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, रेडी हुई हूँ कॉलेज के लिए। ये है मेरे कॉलेज का यूनिफॉर्म। तो चलो घर से निकलते हैं, फिर मिलते हैं। करीबन 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद, चलने नहीं सॉरी, गाड़ी से आने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं कॉलेज। ये रहा मेरा कॉलेज, कितना बड़ा है दूर से, है ना। और एक्चुअल में दूर से नहीं, पास से भी बहुत बड़ा है। मैडम क्या ख्याल है आपके? ऐसा लग रहा है कि देश आज़ाद करने आए। तो एक्चुअल में आए कहाँ हैं हम? कॉलेज। एक्चुअल में भी आए कॉलेज का देखने? कॉलेज देख, हम तो देख ले पहले उसको, देखते तो भले। टन टन लल्लू भाई, अरे यार तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? सो एक्चुअल में आज है हमारा प्रैक्टिकल डे, आज प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आ चुके हैं क्लासरूम में और सब बैठे हैं। अभी हमारा नंबर नहीं आया था, अभी फ़ी वगैरह सबमिट हो रही है जो प्रैक्टिकल फ़ी होती है। तो मैंने कहा तब तक मैं क्या करूँ, तब तक थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। चारों तरफ सब लाल सफ़ेद नहीं आए क्योंकि ये हमारा है ड्रेस कोड। चलो एग्ज़ाम देते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, सो फाइनली एग्ज़ाम देकर मैं निकल रही हूँ बाहर। फाइनली गाइस, प्रैक्टिकल वगैरह जो था वो सब हो चुका है। प्रैक्टिकल भी हो गया, वाइवा भी हो गया, हर एक चीज़ हो गई। अभी जस्ट स्वीटी फंसी हुई है, स्वीटी का वाइवा बस बाकी है। उसका वाइवा जैसे ही होगा हम निकल जाएंगे। तो मैंने कहा तब तक क्या करें, तब तक पूरा एक बार घूम लेते हैं कॉलेज। कॉलेज के इधर उधर हर जगह कंटिन्यूसली मैं घूम ही रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, चारों तरफ खेत है कुछ इस तरीके से। चलो एक बार दिखाते हैं, स्वीटी आएंगे फिर घर चले जाएंगे, फिर बाकी बातें जो भी हैं हम आपसे करेंगे घर जाके। लोग बने रहो, देखते रहो। तो मैडम कैसा रहा आपका वाइवा? एक नंबर। ऑसम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हम दोनों बहने पे एक नंबर अव्वल है, जहाँ जाते हैं फर्स्ट आते हैं। सो गाइज, ये है हमारा क्लासरूम जिसमें हम कभी नहीं आते। फोटो तुल भी थी ना? हाँ। तू इधर तली थी, आगे था। सो हम बनेंगे इस बार के स्टूडेंट ऑफ द ईयर। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ये है क्लासरूम जिसको साल भर में पहली बार हमने देखा है। वो भी अगर आज हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता तो शायद हम आज भी यहाँ नहीं आते। तो चलिए, जो भी था अच्छे से हो गया, थ्योरी अच्छे से हो गई, वाइबा अच्छे से हो गया, भूख भी लगी, अब चलते हैं घर। घर चल के कुछ भी खाते हैं। सो फाइनली निकलते हुए घर की तरफ, मैडम जी जा रही हैं आगे आगे। मैंने कहा एक बार लास्ट बार आपको दिखा देते हैं कॉलेज। और ये स्वीटी मैडम धन्नो को रेडी करती हुई, चलो निकलते हैं। नाउ और धन्नो इज रेडी टू गो, लेट्स गो बेब्स। ये है हमारे कॉलेज के बाहर के कुछ खेत। वैसे ये पिकनिक एरिया स्पॉट अच्छा बनेगा। सो आज से हम लोग बिल्कुल एग्जाम से फ्री हो चुके हैं गाइस, कुछ नहीं बचा। एग्जाम ओवर, प्रैक्टिकल ओवर, अब अगले साल देखा जाएगा जो होगा। अभी पड़ता है हमारे एक फ्रेंड का घर। एक्चुअल में भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हमने सोचा चलते हैं यहीं रास्ते में कुछ खाते पीते। तो फ्रेंड के यहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ खाएंगे फिर घर जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा काम था, तो काम किससे हम आ गए फ्रेंड के यहाँ, फिर यहाँ से निकल के डायरेक्ट पहुँच जाएंगे घर, ठीक है ना। तो आप भी मेरे फ्रेंड को देख लीजिए, ये है मिस जया। और एक्चुअल में सही में खाने को ले आई, वो सही किया, भूख भी लग रही थी, चलो खाते हैं। समझ रहे हो। सो फ्रेंड फाइनली आ चुके हैं कॉलेज से घर वापस और बच गए हैं 3। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि मेरा वाइवा जो है वो बहुत पहले हो गया था। प्रैक्टिकल भी हुआ, थ्योरी मैंने लिखा, उसके बाद मैं वाइवा देने गई, वाइवा भी हो गया। बहुत ही अच्छा हुआ था मेरा वाइवा,
सो बेसिकली क्या हो रहा था, पांच पांच लोगों को अंदर बुलाया जा रहा था, पांच लोग जा रहे थे और उनने दूसरे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे थे जो हिंदी मीडियम वालों थे, जो हिंदी मीडियम वाले थे, और एक्चुअल मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो पहले उनसे क्वेश्चन किया, उनसे आंसर नहीं आया तो उन्होंने कहा कि आप बता सकते हो, तो मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, फिर सेकंड बच्चे से सेकंड क्वेश्चन पूछा वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, तीसरे बच्चे से तीसरा क्वेश्चन पूछा वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो लास्ट में उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ ही नहीं पूछा क्योंकि मैंने तीन तीन बच्चों के पहले से ही आंसर दे दिए थे, और मैंने करीबन 15-20 लाइनें बोली, उसमें से उन्होंने 25-30 बार मेरे को वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोला, और बोलते कि हो गया जाओ अच्छे से, हो गया अच्छा है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हो, ऐसे एक टीचर होना चाहिए, अच्छे लग रहे हो, इसी कॉन्फिडेंस से बच्चों को पढ़ाना, यही कॉन्फिडेंट होना चाहिए एक टीचर में, अच्छी तारीफ करी, अच्छी बोला, अच्छी अच्छी बातें करी उन्होंने मेरे बारे में, अच्छा बोला जो भी बोला लिटरली। उसके बाद मेरा फ़ोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया, मैं स्वीटी का वेट कर रही थी क्योंकि उसका रोल नंबर थोड़ा सा लास्ट में था, तो करीबन एक घंटे मैंने उसका वेट किया, फिर उसके बाद वो फ्री हुई, फिर उसके बाद हम निकले, एक फ्रेंड के आ गए, वहाँ पर थोड़ा सा काम था, बुक वगैरह उसको स्वीटी को लेना था वो लिया, अब घर आ गए, तो चलो फाइनली कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, सो गाइस बने रहिए, देखते रहिए। सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माई ब्लॉग। तो अभी रेडी वेडी हो के मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं रेडी वेडी होके जा रही हूँ शादी में, और पीछे पूरा मैं रेडी हुई हूँ, तो सब कुछ इस तरीके से कबाड़ा की तरह हो चुका है, क्यों जल्दी जल्दी में जब रेडी हो तो सारे सामान इधर उधर बिखर जाते हैं, इसको मैं आकर सब ठीक कर लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ एक शादी में, और शादी है मेरे स्कूल के एक कलीग की सिस्टर की, यानी कि हमारे स्कूल में तोमर सर हैं, तो तोमर सर की सिस्टर की शादी है, उसके लिए इनविटेशन आया है, तो चलो इसलिए फटाफट से रेडी हो गए, और टाइम बिल्कुल भी नहीं था शूट करने का, क्योंकि आपको पता ही है आज कॉलेज गए थे, कॉलेज में एग्जाम था तो ज़्यादा लेट आए थे, और घर आते ही ट्यूशन वाले बच्चे सब रेडी थे, तो उनको पढ़ाया, फिर उनको पढ़ाने के बाद टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे को ये वाली ड्रेस पहननी थी, ये मेरे साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, तो इसको ऑल्टर करने को दिया हुआ था, फिर जल्दी जल्दी से वहाँ गए, ड्रेस को उठाया, ड्रेस वगैरह लेके आए, तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैंने रेडी वेडी होना या मेकअप वगैरह कुछ शूट नहीं किया, और मैंने मेकअप ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पर ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रैशेज वगैरह है, मेरे को मेकअप उतना करना नहीं था, मैंने जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा सीसी क्रीम लगाया नाक के बराबर, और हल्का सा कॉम्पैक्ट भी नहीं लूज पाउडर, जो बेबी पाउडर होता है बेबी पाउडर से हल्का सा सेट कर दिया, थोड़ा सा काजल लगाया, मस्कारा लगाया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, और आई शेडो वगैरह नहीं लगाया, जस्ट हल्का सा हाइलाइटर लिया है, उसको आई शेडो की तरह यूज़ कर दिया है, हल्की सी शाइनिंग आया, बस इतना ही, और लिपस्टिक भी बहुत लाइट रखी हुई है। आज हो चुकी हूँ मैं रेडी, तो चलो फटाक से पहुँच जाते हैं शादी में, अदरवाइज लेट हो जाएगा, मैं अब मिलूंगी आपसे डायरेक्ट शादी में, सो गाइस बने रहिए, देखते रहिए, ओके। अभी घर पे व्लॉग बना, या बेब गाइस आप मुझे दिखो नहीं, इशू ही नहीं, ओ गॉड बाल उड़ गए पूरे, लाइट आ रही है, ऐसे घूमना इधर ही, सही लाइट है, दीदी गई, इनकी शायद फोटो नहीं ली, छोटी हो छोटी हो, गलत बात है, अरे यार लाइट आ रही है, एंगल नहीं मिल रहा यार, सब मिल गए थे, टीचर्स भी थे, बच्चे भी थे, सब लोग साथ में थे, तो सब साथ में मिलके फोटो वगैरह क्लिक कर रहे, थोड़ी बहुत कर रहे हैं मस्ती, अरे हमारी चिड़िया ब्लॉग नहीं है वो, एक्चुअल में वीडियो प्लस फोटो दोनों शूट हो रहे हैं। चलो आप लोगों ने खाना शुरू कर दिया और मैं भी लेट आती हुई, मैंने भी कुछ भी नहीं खाया है, खाना है, चलो कहाँ हो, अब मैं खा लें यार, डिस्टर्ब नहीं करो, खा रही थी तुम खा, अच्छो अरे लाइट तो रखो यार। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा खा लिया, मैंने ऐसे प्लेट नहीं लगाया था, सबके प्लेट से थोड़ा 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 करके खा लिया, फिर आ गए फाइनली कॉफी पीने गरीबों के साथ, उसकी बातों को बुरा मत माना करो, बाहर निकाल रही है मैं। सारे खराब यार, तुम क्या दे रहे, तुम मान रहे हैं मेरे, चलो चलो यार, खाना खा लिया, बना रहे ब्लॉग, बना रही हूँ, हाँ
तो बस हम सब आ चुके हैं, ये सारे हमारे गुरुकुल के स्टाफ हैं एज यूजुअल, आप सब इनको जानते हो। अब यहाँ आके खाना पीना हो चुका है। क्या बोलना चाहते हो, कैसी लगी शादी? बहुत अच्छा, बहुत खाना खाया, यही खाया, यही डाइजेस्ट खाया। यहाँ मैं इतना खाती नहीं, पर बदनाम है यूजुअल। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। खाने के मामले में सत्य बदनाम है, हेल्थ देख के मेरा लगता है कि मैं खाती हूँ, लेकिन एक्चुअल में नहीं खाती। किसी नवार की तरह हमारी मोती बहुत ही क्यूट और स्वीट लग रही है, जिसकी हमें समझ होती है। हाँ, एज यूजुअल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी सबने खाना वाना खा लिया है, एक्चुअल मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया है। थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, फिर निकलेंगे, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। सब बने रहो, देखो जाचो। सो जस्ट अभी चल रहा है हमारा फोटो सेशन, चलो देखते हैं। सो बस इतना ही था आज का ब्लॉग। फिर उसके बाद हम लोग अब निकल रहे हैं। जब आ रहे थे एंट्री टाइम मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सब बार बार कॉल कर रहे थे। तो मैंने कहा जाते वक्त तो शूट करना बनता है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ डेकोरेशन वगैरह कैसी थी। तो बहुत ही ऑसम डेकोरेशन थी, सब चीज़ें बहुत अच्छे से थी, सब बहुत ही अच्छा था। लेकिन बारात बहुत लेट हो रही थी, करीबन 11:30 से ज़्यादा बज चुके थे। तो हम लोग निकल जा रहे हैं घर। तो चलिए गाइस, बाय बाय, लव यू। वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।